हेलो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि रजत दलाल ने ऑफिशियली इस वीडियो को बनाकर इस बात की पुष्टि करी है कि एलविस यादव ने और रजत दलाल ने उनसे माफ़ी मांगी है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके का कहना है एजाज खान का। उन्होंने कहा कि एलविस यादव ने और रजत दलाल ने उनसे कहा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, इस कॉन्ट्रोवर्सी को प्लीज़ यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि एजाज खान झूठ बोल रहे हैं, रजत दलाल ने और एलविस यादव ने उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी है, वो अपने मन से बातें बना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा। तो यारो, वो रजत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एलविस यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो और मुंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना। तो इसका फैसला हो गया, बाकी बचा वो चोको चूसिया, उसका इंतजार कर रहे, 2 हफ्ते लिए उसने, बॉडी बॉडी बनाएगा, थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट करेगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी वीडियो के बाद आप सभी फ्रेंड्स को क्या लगता है, क्या एलविस यादव ने और रजत दलाल ने सच में इनसे माफी मांगी है? आपको क्या लगता है कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताओ।